प्रॉपर कारपेट, रोड भी छोड़ दो कारपेट, बिल्कुल वो विकेट थी। और उस विकेट में भी मेरे घंटे का किंग कुछ भी नहीं कर पाया। उस विकेट में भी मेरा लपड़ आजम, मेरा घंटा, मेरा छनकना, मेरा जिंबू, मेरा निपालू कुछ भी नहीं कर पाया उधर। आर यू कॉमेडी मी? कोई बात कर रहा है, बाबर का 100 पक्का है, ऐसे ही पक्का है, यहाँ से होता है 100, यहाँ से खेला है। और उसके बाद इन्होंने पूरे टेम्पो की माँ बहन एक कर दी। ये आदमी था, तुम सोचो कि दुनिया में नफरत कैसे बढ़ती है। इस आदमी को कभी लोग कोहली से मिलाते थे, आप सोचो यार, कोहली अगर आंखें बंद कर भी बैटिंग कर ले तो ये कहीं भी नहीं स्टैंड करता यार। आप जो 70 बॉल लेके लानत ले ली दोबारा से। बाबर आजम पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा टाइम ले रहा है, और उसकी बैड लक कह सकते, जाहिर सी बात है, वो पूरी कोशिश कर रहा है मैं रन करूं किसी तरीके से। और एक ओवर पहले वो जो है वो लेग बिफोर हो गया, नए बॉल पे उनको आउट किया। उसके बाद सऊद शकील जो है वो अभी जो है वो नॉट आउट है। बाबर आजम जो कि फिर फेल हुए अगेन, मतलब वही चीज LBW हुए। और एक अफसोसनाक चीज है कि बाबर आजम आज कैप्टन नहीं है ODI या T20 के, लेकिन फिर भी बाबर वो बाबर नहीं है जो हम उन्हें देखना चाहते हैं या जो बाबर के फैंस उनको जहां पर देखना चाहते हैं। बाबर आजम अच्छा दिखते हैं, फिर टीज करके आउट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद स्कोर बोर्ड को ज्यादा देख रहे हैं और उसी वजह से जो है वो अपनी इनिंग्स को जारी नहीं शायद रख सकते, बिकॉज वो समझते हैं कि 30 रन हो गए हैं, अब क्या होगा, मुझे अगले 5 रन भी करने हैं, फिर मुझे 10 करना है, किसी ना किसी तरह मुझे 50 पे पहुंचना है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया कि टेस्ट क्रिकेट में ऑफ लेट रन नहीं कर रहे हैं। बट उनको ये नहीं भूलना है कि उनके पास क्लास साइकोलॉजी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने संभाल के रखनी है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना है और क्रीज में नहीं खेलना है। देखिए उनके जितने भी डिसमिसल्स हो रहे हैं वो क्रीज में खड़े खड़े खेलते हैं, ये बॉल जो है वो एक स्विंग का मिस कर गए और एक आउटस्विंग से पहले बीट हुए, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद फिर से आउटस्विंग करेंगे और बॉक्स ने स्विंग किया। अबे 300 रन की विकेट है, तुमसे रन ही नहीं बन रहा है, तुम किस पे मारोगे? पाकिस्तान में किसी भी टेस्ट मैच में पहले दिन का विकेट ऐसा ही होता है भाई। और एक बात सुन लो, इस विकेट पे कोई आधी से ज्यादा बॉल है बंदों ने, विकेट कीपर ने यहाँ कलेक्ट नहीं की, जब जब बैक ऑफ द लेंथ बॉल हुआ है कीपर ने यही पकड़ा है भाई सीने पे। तो कहने की बात है कि ये कोई वर्स्ट विकेट नहीं है। इस विकेट पे अगर ब्रेक होना स्टार्ट हो गया ना कल शाम में या तीसरे दिन, तो तुम्हें फिर पता चल जाएगा, अपनी बातें वापस लेनी पड़ जाएंगी। इसलिए विकेट को पहले दिन 10 ओवर इन्होंने देखा, शान मसूद राणा बॉल खेल रहे हैं, तीन उसने दो टिक्कियां ली, एक डबल लिया, ये बातें ये एजेंडा क्या बेच रहे हैं कि स्पिनर के आते ही शान अग्रेसिव हो गया। और वो शुरू से अग्रेसिव आया था। और ये खूबसूरत दुल्हन तुमने इसलिए रखी भी है कि ये सलमान का और रिजवान का नाइट वॉचमैन भी बन कर आएगी, मतलब ये क्या तमाचा लगाया हुआ है? दोनों तरफ हिलाता है ना वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ 400 रन होने थे वहाँ ये 28 ओवर खेल गए दोनों मिलकर यार। दोनों ने लाना थे, दोनों सेटिंग में खेलते हुए नजर आया कि भाड़ में जाए शान और अब्दुल्ला शफीक की नहीं यार, हमने अपने हिसाब से खेलना है, इन्होंने अपने माइंड सेट से खेला है, इन्होंने टीम के और शान के बाद वो शान पाकिस्तान की जो बजाई है इसका जवाब कौन देगा? 4.5 शान मसूद को गिरा रहे हैं यार, गिरा रहे हैं, ये उसकी शकल उतरी, ये नाहिद राणा से आउट होने वाले, गिरा रहे हैं शान मसूद को, तो किसी भी दुनिया के बदतरीन झटके से आउट हो जाए, मतलब इनकी बल्लेबाजी नजर आ गई ना। अरे ये तो मुल्तान का कोई भी बच्चा इतनी देर रोक के खड़ा हो जाता जितनी देर तूने रोका है। शर्म आनी चाहिए इनको, आती नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। अबे तुम कब मारोगे, तुम हाईलाइट ही देख लो, कहां की कानपुर की ना, कानपुर की तो दिखाना भी नहीं है इतने स्लो बल्लेबाजों को। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम मारोगे किधर, कौन सी बना के दे दूं तुम्हें पिच पे। अब जब मैच शुरू होता है सर वो निकल आता है जी फ्लैट ट्रैक, वो निकल आती है रोड, वो निकल आता है प्रॉपर कारपेट, और बनाया किसके लिए जाता है? बाबर आजम के लिए, कि बाबर की फॉर्म वापस आ जाए। लेकिन बाबर आजम घंटे का किंग हो, निपालू हो, जिंबू हो, छनकना हो, केला हो, रन कर रहे, ऐसा हो नहीं सकता, मैं मानता नहीं हूं ऐसा। वो मेरे घंटे का किंग है, वो कभी भी रन नहीं करेगा, वो कभी भी रन नहीं करेगा। क्या किया आज आपने? नहीं, बेसिकली पाकिस्तानी फैंस को क्या दिखाना चाह रहे थे या पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम ने बड़े रन कर दिए हैं? दुनिया अंधी है, दुनिया अंधी है, दुनिया को नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि ये कौन सी विकेट है, ये कौन सा मैच हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का प्रॉपर जनाजा निकाला जाता है, वो इंग्लैंड वाले माइकल वॉन, स्टीवन फिन, अगर बात करो किवन पीटरसन, और भाई वो ट्वीटें फेंक रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को भजा दो पकड़ के, ये घंटों को विकेट नहीं बनाना आती टेस्ट क्रिकेट की। और आप लोग मतलब घंटे के और छनकने के इंडिया से सीख लो, आपसे बेहतर तो बांग्लादेश वाले हैं, इंडिया से सीख लो भाई। दो दिन में अगले टेस्ट मैच खत्म करके जा रहे हैं, दो दिन में, और आप अपने घर में फ्लैट ट्रैक बनाते हो ताकि टेस्ट मैच ड्रा हो जाए, पाकिस्तान की इज्जत बच जाए। क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी एक साइड को फेवर कर दी बैटिंग या बॉलिंग को तो पाकिस्तान तो बढ़ जाएगा, तो ऐसी कोई न्यूट्रल विकेट बनाते हैं जिसमें मैच ड्रा हो जाए, और वो ड्रा होता नहीं है, वो पाकिस्तान को फिर मैच पड़ जाता है।
तो बाबर आजम जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब उनका नाम लेने से आपका यूट्यूब चलता है, आपका सोशल मीडिया चलता है और बाबर जो है वो रन बहुत करते हैं, बाबर एज अ बैट्समैन आप बाबर को कुछ नहीं कह सकते हैं, तो उन तमाम लोगों को मैं आज ये सवाल करना चाहूंगी कि जहां पर ऐसी पिच जिसको रोड पिच कह रहे हैं लोग, जहां पर शान मसूद ने भी अपनी सेंचुरी कर ली, 150 रन मार दिए, जहां पर अब्दुल्ला शफीक जो 7 मैचेस में फेल थे उन्होंने भी अपनी सेंचुरी मार दी है, जहां पर मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि यार यहां पे तो रन बन रहे हैं, तेजी से बन रहे हैं। बाबर सबसे पहले, अब बाबर स्लो खेलते रहे बिकॉज आई वॉज वॉचिंग द मैच सो आई नो दैट ही वाज प्लेइंग स्लोली, आराम से खेल रहे थे वो, लेकिन टेस्ट है तो मैं टेस्ट में ये नहीं कहती कि आप बेसबॉल की तरफ जाओ। लेकिन बात यह है कि जब आपका टॉप प्लेयर होता है, जब वो आपका परफॉर्म कर रहा होता है और आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यार ये कुछ बड़ा करके दिखाए, हमें कुछ अच्छा करके दिखाए, क्योंकि क्रिकेट मुझे पर्सनली क्रिकेट एक ऐसी गेम लगती है जहां पर मुझे लगता है यार अगर जरूरत है तो स्लो खेलो, वरना यार खुलकर खेलो, मतलब आपको देखने का मजा है, आपको ताली मारने का मौका मिले, आपको हंसने का, खुश होने का, शोर मचाने का मौका मिले, बट वेन इट कम्स टू दैट अप्रोच कि आप हर गेम को एक ही अंदाज में खेल रहे हो और आप डॉट बॉल्स भी कर रहे हो, आप सिंगल और डबल से काम चलाना चाह रहे हो, तो वो बोरिंग हो जाता है। तो मैं अगर बात करूं बाबर आजम की, तो आई स्टिल फील कि बाबर आजम को अभी बहुत काम करने की जरूरत है अपनी फॉर्म के ऊपर फिर से, क्योंकि विराट कोहली को तो बोल दिया था कि स्टे स्ट्रांग एंड दिस शैल पास, लेकिन आज बाबर आजम का जो ये टाइम है, ये टेन्योर है, ये नहीं गुजर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। अफसोस के साथ मुझे बाबर को देखकर लिटरली अफसोस हुआ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद बाबर आजम कहीं ना कहीं जहां इतने सारे प्लेयर्स कुछ कर रहे हैं वहां पे बाबर भी कुछ कर जाएंगे, कम से कम 50 तो बना जाएंगे, लेकिन बाबर उतना भी नहीं कर पाए, सिर्फ 30 ही रन जो है बाबर मुश्किल से बना सके हैं। तो बात यह है कि बाबर आजम एक पाकिस्तान का वो नाम है जिसके बारे में कुछ लोग, अगर बाबर आज इस टेस्ट मैच में रन या बड़ी इस में रन कर देता तो जरूर 100% उनका जवाब आना था यार ये तो बहुत ही फ्लैट विकेट है, ठीक है ना, ये तो बहुत ही फ्लैट विकेट है कि उसने रन कर दिए, लेकिन जब आउट हुआ होगा या हुआ तो सबने बोला यार ये किस किस्म का प्लेयर है, तो ये बाबर का चलता रहेगा। मैं एज अ क्रिकेटर, क्योंकि ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, मैं एज अ क्रिकेटर स्टिल बाबर हो, अब्दुल्ला शफीक हो, शान मसूद हो, कोई भी हो, मैं स्टिल उसको सपोर्ट करता रहूंगा कि एक अच्छी इनिंग की जरूरत है, उसके ऊपर रन जो है वो खुल जाएंगे। ये टेस्ट मैच नजर कहीं आ ही ऐसा रहा है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ होने के ज्यादा चांसेस है। 328 रन पाकिस्तान ने किए, बहुत जबरदस्त किए, और दूसरी बात ये कि ये हमें पता है कि इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको स्ट्रगल होनी है, बॉल इतना ज्यादा ब्रेक हो नहीं रहा। एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज और चेंज करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि मैं बार बार बोल चुका हूं कि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में ऐसी पिचेस बनानी है जो बनी है, इसके लिए आपको ड्यूक का बॉल यूज करना पड़ेगा अगर आपने रिजल्ट्स लेके आने, ठीक है। ड्यूक के बॉल से यह फायदा होता है उसकी सीम ऊपर होती है, उससे बॉल ब्रेक होता है। मैं इंडिया की मिसाल आप ले लें, क्या इंडिया की कंडीशंस में फ्लैट पिचेस नहीं होती? दूसरे तीसरे दिन अगर हम कहते हैं बॉल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, लेकिन उनका तो बॉल तो पहले दिन ही ब्रेक होने लग जाता है, वो पहले दिन ही अगर उनकी बॉलिंग आती है तो 7, 8, 9, 10 ओवर अश्विन को या किसी को लेके आ जाते हैं, इतना तो बॉल ब्रेक होता है। देखिए फ्लैट पिच के ऊपर जब सीम ज्यादा होती है वो ग्रिप करता है, वो फिर बॉल ब्रेक होता है, चाहे बॉल नया हो चाहे बॉल पुराना हो, वो पिच बिल्कुल उसमें जान नहीं होती, तो वो पहले दूसरे दिन ही बॉल ब्रेक करने लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोकोपुरा का बॉल है, फिर आप सोचते हैं कोकोपुरा का बॉल है, पाकिस्तान की कंडीशन है, तो तीसरे चौथे दिन जाके वो ब्रेक होगा, और उसमें अगर एबिलिटी आप में है तो तब जाके ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद कोकोपुरा के अलावा दूसरा जो बॉल है ड्यूक का बॉल, वो जल्दी रिवर्स होगा, जल्दी पुराना हो जाएगा, कोकोपुरा का बॉल इतना जल्दी पुराना नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, पाकिस्तान की ने पहले बैटिंग की है, उनकी फर्स्ट इनिंग चल रही है और अभी 328 रन का स्कोर किया है 4 विकेट के ऊपर, जिसमें उनकी जो शुरुआत से ही उनकी जो है बैटिंग अच्छी थी, जिसके अंदर अब्दुल्ला शफीक जो थे उन्होंने 102 रन का स्कोर किया था, उसके बाद शान मसूद जिन्होंने 150 का स्कोर किया है, लेकिन बाबर आजम इसमें जो है 30 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, वो LBW आउट हुए थे, और बाबर आजम की जो फॉर्म है वो अब तक वापस नहीं आई है, इसी वजह से पाकिस्तान के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ भी हैं, क्योंकि जितने भी मैचेज हुए हैं, सीरीज हुई है, उनके अंदर बाबर आजम फ्लॉप हुए हैं, कुछ खास स्कोर कर नहीं पा रहे हैं। बाबर आजम को कैप्टनसी से भी हटाया गया था, उनको उसके बाद शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया था, अब फिर से बाबर आजम को जो है कैप्टनसी से हटाकर शान मसूद को कैप्टन बना दिया है। तो शान मसूद ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 150 का स्कोर किया है, और पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 328 रन के ऊपर पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि इंग्लैंड क्या कुछ कर पाता है, क्योंकि जो पिचेज बनाई है वो पाकिस्तान के जो प्लेयर है बैटिंग है उसके हिसाब से बनाई है, मतलब ये है कि उन्होंने अपनी होम कंडीशंस के हिसाब से पिच बनाई है बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए, और अभी उनका रिजल्ट भी कुछ दिख रहा है टेस्ट के अंदर, और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक निकल के आ रही है। लेकिन अब यही है कि एक जो मेन प्लेयर था बाबर आजम टीम के अंदर, जिसका सबको उम्मीद थी कि भाई इनकी फॉर्म वापस आ जाएगी, और पाकिस्तान के काफ़ी लोग भी सपोर्ट करते भी हैं बाबर आजम को, लेकिन उसकी फॉर्म में कुछ सुधार हो नहीं रहा है और लगातार जो है ख़राब होती जा रही है। तो देखना ये है कि भाई बाबर आजम की फॉर्म सुधरती है नहीं सुधरती, और इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की टेस्ट में जीतती है कि नहीं, क्योंकि बांग्लादेश बहुत बुरी तरह उनको वाइट वॉश करके गया था 2-0 से, अब इंग्लैंड के साथ ये हारते हैं जीतते हैं ये तो फाइनल रिजल्ट बताएगा।